शर्म ये आती है, फारूक साहब 90 साल का अलायंस तो अलायंस की जगह है, मेरा बाप होगा 90 साल के बाद डिस्को करता अभी भी। ये कोई डिस्को करने से जम्मू कश्मीर का रोजगार नहीं मिलेगा, मैं खुद ही चैलेंज देता हूँ आपको। और उमर साहब आपके लिए बहुत अच्छा कहते थे, आप और नासिर असलम वानी भी कल नाचते थे, नाचने से मेरी बेटी को रोजगार नहीं मिलेगा, आपने मोदी जी से टकराव करना है। लेकिन आप गुलाम हो तो टकराव कहाँ से करोगे, आपके बच्चे तो रोजगार है, दूसरों के लिए क्यों मरोगे। बहुत अच्छी बात है ना, फिर सजाद शाहीन की बात करते हो, मैं उमर अब्दुल्ला को कह रहा हूँ, मैं शेख अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, मैं उमर फारूक साहब की बात कर रहा हूँ, सजाद साहब मेरा खाता ही नहीं है। अलियास एसपी के खिलाफ बोलता था और पहाड़ियों के खिलाफ बोलता था और खासा कबीला के खिलाफ बोलता था और तालियां बजाता था सजाद शाहीन ऐसे। और मैडम शमशाद जो करप्शन 100 रुपये की करती है, आसवानी कोई फिंगर नहीं है, वो एक सरपंच था अब नहीं है। हाँ पार्टियों की चमचागिरी कर रहा था, कुछ बोलने आता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल और जम्मू कश्मीर के एसटी की तरफ से और खासा कबीला की तरफ से उसको शेम करता हूँ। लीडर का काम नहीं है किसी पार्टी को किसी जात को हिट करना। वो अपने आप को बड़ा टीपू सुल्तान समझता था, लेकिन बड़े बड़े टीपू सुल्तान आवाम के आगे ख़त्म हो जाते हैं। उसका नाम ख़त्म हो गया, उसका नाम ना कहिए, वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं अमन और शांति के साथ किसका इलेक्शन लड़ा, डीडीसी में तो बड़ी बुरी शिकस्त लगी उसको, वो तो विकार के कुछ वोट थे, वो भगोड़ा हुआ था उस घर से, तो लोग उसमें जैसे 60 साल दरिया चलता है और 8 साल वो गीला रहता है, वो गीला था विकार उसूल की वजह से, उसको कौन जानता है। वो कोई शख्सियत नहीं है बानहाल से, वो एंटी थे कि विकार उसूल क्यों बनता है। विकार उसूल के अंदर ये टैलेंट है, विकार उसूल के अंदर ये तजुर्बा है। वो वार्ड मेंबर से सियासी सफर शुरू किया, जैसे मैंने वार्ड मेंबर से शुरू किया और लोगों से मिलते गए, उखराल से, पोगल से, दिल्ली से, कश्मीर से, तब जाकर लोगों ने कहा हु इज द बशीर अहमद नाइक। तब अभी यहाँ कोई डीडीसी नहीं मिलता, यहाँ कोई सरपंच नहीं मिलता, यहाँ इनको पता नहीं कि स्कीमें क्या है, क्या करना चाहिए, उसको छोड़िए। अब असेंबली इलेक्शन की बात पर आइए, असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल से विकार रसूल वानी साहब जीत चुके हैं इंशाल्लाह। एनसी दावा करती है, एनसी को 50 साल जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने और मेरी बहन बेटियों ने मौका दिया, सिर्फ 50 साल, 50 साल के वक्फे में कुछ नहीं हुआ। इसलिए जम्मू कश्मीर में यूटी में इन लोगों ने यूटी बनाने के लिए भाजपा को दावत दी और ये कुछ लीडर मिले थे यूटी बनाने में, ये लोग मिले थे 2 अगस्त की तारीख, 5 अगस्त जम्मू कश्मीर को काली रात बन गई। 2 अगस्त मिस्टर उमर अब्दुल्ला, मिस्टर फारूक साहब और हसन मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ में बैठे थे, मोदी और राजनाथ और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिल्कुल एक साजिश के तौर पर जम्मू कश्मीर ताज को हटाया गया है। यह जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, जो नौजवानों को कहती थी आप लोग आर्मी कैप को दूध लाने जाते हो, पत्थर फेंकने जाते हो, आपकी मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हुई, आपने रोजगार नहीं दिया आपने। यार फिर सजाद शाहीन की बात करते हो, मैं उमर अब्दुल्ला को कह रहा हूँ, मैं शेख अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, मैं उमर फारूक साहब की बात कर रहा हूँ, सजाद साहब मेरा खाता ही नहीं है, आप क्या कहते हो। हमने तो उसकी पार्टी को मौलवी रशीद को 40 साल वोट दिए और उसको कहा सिर्फ सिगरेट पियो। मैंने उसको कहा था मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा, जब इन्होंने काउंसिल बनाने की बात आई, मैं एक डीडीसी काउंसलर हूं, सजाद शाहीन ने और मैडम शमशाद शान जो अलियास एसटी के खिलाफ बोलता था और पहाड़ियों के खिलाफ बोलता था और खासा कबीला के खिलाफ बोलता था और तालियां बजाता था सजाद शाहीन ऐसे, और मैडम शमशाद जो करप्शन 100 रुपये की करती है वो जीतेगी। अब आइंदा आओ ना मैदान में, मैं बताता हूँ कितने डीडीसी जीत के आएंगे और कितने सरपंच जीत के आएंगे। तो नील की चेयरपर्सन नहीं थी, वो पोगल की चेयरपर्सन नहीं थी, वो सिर्फ गूल की थी, ईंद की।
बात समझ आई आपको? ये बहुत बड़ा लंबा इशारा है। वो समझ में आई, वो वार्ड मेंबर थी और वो कंपनियों की हेड थी वहाँ। उसका उसको सिर्फ उसके हस्बैंड को सिर्फ 60 करोड़ रुपए का काम मिला था, सिर्फ 60 करोड़, क्योंकि वो चेयरपर्सन थी, फारूक साहब का हाथ था, उमर साहब का हाथ था, नासिर असलम साहब का हाथ था। और मुझे शर्म आती है यार, शर्म ये आती है, फारूक साहब 90 साल का, अलायंस तो अलायंस की जगह है, मेरा बाप होगा 90 साल के बाद डिस्को करता अभी भी। ये कोई डिस्को करने से जम्मू कश्मीर का रोजगार नहीं मिलेगा, मैं खुद ही चैलेंज देता हूँ आपको। और उमर साहब आपके लिए बहुत अच्छा कहते थे, आप और नासिर असलम वानी भी कल नाचते थे, नाचने से मेरी बेटी को रोजगार नहीं मिलेगा, आपने मोदी जी से टकराव करना है। लेकिन आप गुलाम हो तो टकराव कहाँ से करोगे? आपके बच्चे तो रोजगार है, दूसरों के लिए क्यों मरोगे? बहुत अच्छी बात है ना। महबूबा मुफ्ती की लड़की है 19 साल 20 साल, तो यहाँ तो LLB अब्दुल लतीफ तकरीर करता है, गूल जाकर कहता है बहुत फरिश्ता आया। अरे उसको ही लगा देना था कहीं कंपनी में, वो जो नील तकरीर कर तड़पता है बेचारा, सरफराज मौलवी रशीद ने बनाया था उसको। लेकिन इन लोगों का कसूर है, इन लोगों की खताएं थी, तब मोदी जी अंदर घुसा। हम जम्मू में थे रैना साहब के पास, रैना साहब के पास इसने कहा विकार साहब को, विकार साहब हमें भी कोई पीयर दिखाओ। क्या दिखाओ? आप बार बार जीतते हो। मैंने कहा सजाद साहब आपकी नेट ठीक नहीं है, आप पीर क्या ढूंढोगे, आप गरीबों के लोग ढूंढो, गरीब लोग ढूंढो, तब जाकर कुछ बनेगा। आपको अभी 3 बार 3 पलानों में कोई चांस मुझे नजर आती नहीं है। यहाँ दिल्ली का एक मजदूर लोगों के दिल में जगह बनाकर एक भाजपा के 10,500 वोटर वाले को मेरे लोगों ने हराया, शौकत अहमद जावेद जो आज कूल और नील कहता मेरे जेब में वोट है। अरे लीडरों, सरपंचो, DDC BDC वालों, मेरी एक अपील है, तुम्हारे जेब में गरीब का वोट न था न है, तुम्हें अपना वोट भी नहीं है। हाँ लूटो लूटो, अपना घर बनाओ, अपनी गाड़ियां चलाओ, तेल डलवाओ, तनख्वाहें ले जाओ। तनख्वाहें मिल रही है आज, पैसा जब 160 का मसाला, यह हिंदुस्तान है, यहाँ वो प्यारा है जो 160 का मसाला मिलाएगा। मैंने गवर्नर साहब को कहा इलेक्शन के बाद एक जांच कमेटी जम्मू कश्मीर के लिए बनाए जाए, भेड़ बकरियां चलती है और नागर सिंह का 160 का मसाला बकरियों की पैरों से घिर जाती है दीवारें। मोदी जी कान खुल के सुन लो, अब नहीं आओगे, अब नहीं आओगे। अब मिस्टर राहुल जी को 1.5 अरब लोग आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चाहते हैं। क्यों? वो महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट में बोलता है, वो बेरोजगारों के हक में बोलता है, वो अमन और शांति के बारे में बोलता है और लोग आज उसको लाइक करते हैं, क्योंकि आपने गुंडों को साथ दिया, किसानों और गरीबों और मजदूरों के लिए आपने एक पैसे का काम नहीं किया। जनाब गुलाम नबी आजाद को सरूड़ी साहब ने खत्म कर दिया, जो स्टेट प्रेसिडेंट के सपने देखता था और 160 मसाला मिलाता था, और अमीन भट्ट ने खत्म कर दिया, और उसके बाद मुबारक हो विकार रसूल वानी की टीम को जिसने उसको बिल्कुल चढ़ता चढ़ाता चढ़ाता आज ऑल इंडिया मेडिकल में बेचारा मौत और जिंदगी के कश्मकश है, क्योंकि उन्होंने कुरान किया था, गीता किया था। आजाद साहब आप हीरो हो, आज उसको जीरो बना दिया बनिहाल के 4 गुंडों ने, किश्तवाड़ के 4 गुंडों ने, श्रीनगर के चार, ये बनिहाल के कौन से 4 गुंडे, जरूरी है नाम देना? वो तो 6 मैंडेट देने के चक्कर में था। आप कहाँ रहते हो? आप कहीं और किसी पार्टी के साथ तो नहीं हो? आप जानते हो बनिहाल का लोकल मीडिया कि उसके साथ कौन था? वो वार्ड मेंबर नहीं बनेंगे, विकार रसूल उनको वार्ड मेंबर नहीं बनने देगा। मेरा चैलेंज, आप लोग जानना चाहते हैं ये कौन गुंडे हैं? क्यों? अलियास तो नंबर 1 था, आसिफ खांडे था जो कल सिलेंडर कर दिया। अरे बाबा, यहाँ तोप के आगे टिकना आसान नहीं है। यहाँ पे शेर साहब तभी बात करता है जब रोड बनाए,
बशीर साहब तभी बात करता जब स्ट्रेट लाइटें लाई, बशीर साहब तभी बात करता जब पोल दिए, जब सड़कों का मैगडम किया, नई सड़कें बनाई तब जाकर, नहीं तो अंग्रेजी बोलने वाले बहुत होते हैं। लिहाजा काम करो इनाम पाओ, बच्चों मेहनत करो डिग्रियां लो, मेहनत नहीं करोगे फेल हो जाओगे। मैंने 40 साल मेहनत की, सर पे हारा दो बार, रंडियों के राशन बेचने वाले ने मुझे हराया 2 किलो गंदम से, लेकिन आज जब लोग जागे तो तब मैंने 1800 वोटरों से, मैंने नहीं, मेरी एक बीवी है और एक हूँ खुद, दो ही हो गए ना, दो और से हारता नहीं है कोई जालिम कैंडिडेट, वो लोगों ने हराया, ये जनता ने हराया। मैं जनता को, ये जनता होती है ये बड़े बड़े लीडरों को मिट्टी चखाती है, धूल चखाती है, मैं जनता के बीच हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है ये सज्जाद और आप इम्तियाज खान शान की बात करते हो, एक साथ मिसालें मिलाने वाले, आज जवान बेरोजगार देख रहा है खिड़की में भी दरवाजे से भी, कौन आता है कौन जाता है, 40 रुपये किलो आटा नहीं ले सकते हम, 50 रुपये किलो चावल नहीं ले सकते, इसलिए बदलाव आ गया है। जवानों को मेरी एक अपील है, राहुल तुम्हारा फ्यूचर है, तुम उसके फ्यूचर हो, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं है, भाईचारे का मुल्क है, भाईचारा रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।